नेक्स्ट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ देखो, पेपर में आएगा ओम्स लॉ एंड उसका प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ ओम्स लॉ आता है एनसीईआरटी में. देखो, ओम्स लॉ और उसके प्रूफ के अंदर जो सबसे पहली चीज देख रही है वो क्या देखनी है कि ओम लॉ है क्या और इसका प्रूफ कैसे करना है. वापस बुकलेट पे चलते हैं. ये रहा ओम्स लॉ. ओम लॉ को डराइव करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, देखो आप वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट के दो फॉर्मूलाज आपने डराइव किए. पहला फॉर्मूला ये रहा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर वी डी वेक्टर तो माइनस साइन आएगा, स्केलर में लिखेंगे तो बस मैग्नीट्यूड आएगा. तो हमने वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट को पहले डेरिवेशन में ऐसे डराइव किया था और वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट को हमने ऐसे भी डिफाइन किया आई बाय एन ए, फिर एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. दोनों फॉर्मूले लिख लिए, दोनों को इक्वेट कर लो क्योंकि दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट. तो इसको इसके इक्वल इक्वेट कर लो तो ये टर्म आ जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और डिवाइडेड बाय वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है एल लेंथ में है. तो ई की जगह क्या आएगा, वी बाय एल, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. क्योंकि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी, और लेंथ कितनी है, एल. तो ई इज इक्वल टू वी बाय एल. ई डी वी बाय डी आर भी तो करते हो, ठीक है यहां तक. तो आप एक काम करो, इस ई की जगह रिप्लेस करो कितना, वी बाय एल. तो क्या बन जाएगा, आई बाय एन ए इज ई टाइम बाय एम और ई की जगह वी. ये स्टेप क्लियर है. इस स्टेप के बाद ये जो स्टेप है मैं यहां लिख रहा हूं, ये स्टेप इज आई बाय एन ए ई इज इक्वल टू ई इंटू टाइम डिवाइडेड बाय मास इंटू वी डिवाइडेड बाय एल. यही है, कोई डाउट इसमें, ठीक. इसके अंदर आपने क्या करना है, एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लो, इसको एरो लगाओ. एरो, एरो का मतलब नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद एक स्टेप मिस हो गया. मिस को क्या मतलब, शॉर्टकट मार दिया मैंने इसमें. इसको ऐसे करेंगे, वी और आई एक तरफ करेंगे, V और I एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, M L N A E का स्क्वायर इनटू टाउ. V बाय I एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ. तो ये स्टेप नोट कर लेना प्लीज. ठीक है, तो ये टर्म आ गई. अगर मैं आपको एक वायर दूं, ठीक, अगर मैं आपको एक वायर दूं कि ये एक वायर है, आप मेरे को इसकी रेजिस्टेंस निकाल दो. अब इसकी लेंथ अगर L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो रेजिस्टेंस निकालते हुए ना तो आप L चेंज करोगे ना A चेंज करोगे. हाँ, अगर आप, मैं आपको कोई और पीस ऑफ वायर दूं, कंडक्टर दूं, फिर रेजिस्टेंस कैन चेंज. फॉर अ गिवन वायर ना तो L चेंज होगा, ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, ना उस वायर में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगी, ना एरिया चेंज होगा, ना ई चेंज होगा, और ना टक्कर का टाइम चेंज होगा, क्योंकि एटम उसमें फिक्स्ड है. इसलिए राइट हैंड साइड क्या आ गया, कांस्टेंट. और इस पूरे कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस. तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, रेजिस्टेंस का. ये लो, तो ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. तो जो कोलिजन्स की हम बात करते हैं, कोलिजन्स को किसने कंसिडर किया, टाउ ने. ये रहा टाइम, टक्कर का टाइम, हर मटेरियल का टक्कर का टाइम डिफरेंट है एवरेज, तो रेजिस्टेंस भी हर मटेरियल की डिफरेंट है. हर मटेरियल में डेंसिटी डिफरेंट होगी तो रेजिस्टेंस भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी. तो पॉइंट समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आया. एंड फॉर अ गिवन मटेरियल इट इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ है, वी बाई आई इज अ कॉन्स्टेंट. ये करके आना, इक्वेट करके हो जाएगा प्रूफ, कोई डाउट इसमें. नेक्स्ट है, अब इसके अंदर एक चीज और बताओ कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू,
एल और एरिया को छोड़ दो, एम एन ई स्क्वायर टाइम की जगह रो पुट कर दो, रो वेयर, रो को मैंने क्या पुट किया, एम एन ई स्क्वायर टाउ, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम इतना माइन्यूटली हम करेंगे नहीं कि टाउ गिवन होगा, एन गिवन होगा, कौन करेगा इसका न्यूमेरिकल, बहुत छोटे लेवल पे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसकी जगह आज के बाद आपको बुक्स में किसी भी न्यूमेरिकल में रो गिवन होगा, एन की बजाय रो दे देते हैं और आप रेजिस्टेंस सीधी निकाल देते हो बाई फॉर्मूला आर इज रो एल बाई ए, और हर मटेरियल की रो की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट आपको न्यूमेरिकल में गिवन होती है। इस रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ओम लॉ प्रूव हो जाएगा, क्लियर है, तो ओम लॉ को प्रूव करके यहां तक आपको निकाल के आना है, राइट। हैंड रिटन शीट पे आ सकते हो वापस से। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी डेंसिटी पे और रिलैक्सेशन टाइम पे, क्योंकि किसी भी कंडक्टर का टाउ चेंज हो जाएगा और एन भी चेंज हो सकता है। हाँ करती है, बताऊंगा अभी, हाँ करती है, करती है, यहां तक क्लियर है, अभी बताता हूं उसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ के लिए, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ के लिए बुकलेट देख ली हमने, और ओम लॉ हम प्रूफ कर सकते हैं। ओम लॉ को डिफाइन करने को आएगा, वो तो आप कर ही लोगे, क्या लिखोगे, अगर लिखोगे ना V इज इक्वल टू आई आर, कोई चेक भी नहीं करेगा, ऐसे लिख के आना, अंडरलाइन करो, इट स्टेट्स दैट, ये पहली लाइन जरूर लिखनी है, कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि ओम लॉ कहता है किसी भी कंडक्टर का आर कॉन्स्टेंट है, और आर तभी कॉन्स्टेंट आएगा जब उसकी लेंथ कॉन्स्टेंट होगी और एरिया भी आप चेंज नहीं करेंगे। ये थोड़ी ना लेंथ और एरिया चेंज कर दिया फिर तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, फिर कैसे ओम लॉ लगेगा। तो फॉर अ गिवन कंडक्टर कीपिंग ऑल द कंडीशन कॉन्स्टेंट, एल ए कॉन्स्टेंट, एंड ऑल्सो टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर क्यों, क्योंकि अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो अभी हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ क्या हो जाता है, कम, टक्कर का टाइम कम हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो यानी कि अगर टाउ कम हो गया तो यहां से लिख दो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए टेम्परेचर को भी आपने चेंज नहीं करना। तो ये स्टेप क्लियर है, तो ये डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है और कोई तरीका नहीं है, क्लियर। तो वापस चलते हैं, प्रूफ मैंने आपको बता दिया, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आर का मतलब रो एल बाय ए, रो का मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर जो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर। रो का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कहां से निकाल के लाया मैं, ये रो का फॉर्मूला है जिसमें एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको आर की वैल्यू भी दे दी। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आने वाले टाइम में यूज करेंगे। देखो नेक्स्ट है, बुकलेट के अंदर आ जाओ, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं सबको मालूम है। फेलियर ऑफ ओम लॉ के अंदर मुझे ये मालूम है कि ओम लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू आई इन टू आर, में आर इज अ कांस्टेंट, तो आई कैन से V इज प्रोपोर्शनल टू आई, इसीलिए आई और V का कर्व यहां से स्टार्ट होता हुआ लीनियर जाता है। इसको ठीक कर लो प्लीज, फर्स्ट डायग्राम को ओरिजिन से शुरू करो, ओरिजिन से बनाना, ठीक है यहां तक,
आपको इसमें ये बताना है ओम्स लॉ कहाँ कहाँ फेल होगा या ओम्स लॉ कहाँ कहाँ नहीं लगता, ऐसे बोलो। तो पहला रीज़न लिखना है आपने कि जब एक वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ध्यान आगे, जब एक वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट का एक्सिस तो वैसे ही बढ़ रहा है, वोल्टेज जो है वो एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती। अगर आर कॉन्स्टेंट है फिर तो सही है, आई अगर जितना बढ़ेगा वी भी बढ़ेगा, पर अगर आर भी बढ़ना स्टार्ट हो गया साथ के साथ तो फिर वी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। शुरू शुरू में तो वायर ज़्यादा गर्म नहीं होती तो स्ट्रेट चलता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये ग्राफ यहाँ जाने की वजह कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी नहीं थोड़ी देर बाद, दिस इज बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपने लिखना है कि ओम लॉ कब फेल हो जाता है, जब आप हीटिंग इफेक्ट को कंसिडर करते हो और जब वायर का टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ती है तो ये ग्राफ लीनियर नहीं रहता, कॉन्स्टेंट आर, हाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है फिर सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब ऐसा होता है, क्या स्टेप क्लियर है? दूसरा हम एक चैप्टर करेंगे जिसको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, प्लस टू का आखिरी चैप्टर है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम प्लॉट करेंगे करंट वर्सेस वी का ग्राफ, आई वर्सेस वी का ग्राफ। ये लीनियर नहीं आता, ये क्यों नहीं आता ये तो नहीं बता पाऊंगा, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ये इसका वेरिएशन आता है आई वर्सेज वी के ग्राफ का सेमीकंडक्टर्स में, जो कि बिल्कुल भी ओम लॉ को के साथ मैच नहीं कर रहा। तो आपने लिखना है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, तो इसमें वी और आई का ग्राफ लीनियर नहीं आता। तो पहला कहां पर फेल हो जाता है? जब हीटिंग इफेक्ट लिया जाता है। दूसरा कहां पर फेल हो जाता है? जब सेमीकंडक्टर कंडक्टर की जगह सेमीकंडक्टर लिया जाता है। और तीसरा कहां पर फेल होता है? जब थायरिस्टर लिया जाता है। थायरिस्टर एक ऐसा मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। यार जब सेमीकंडक्टर में नहीं ग्राफ फॉलो ओम लॉ नहीं कर रहा तो थायरिस्टर में कैसे करेगा? थायरिस्टर तो सिलेबस में भी नहीं है, उसमें तो ग्राफ कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा आता है। तो बस नाम लिख देना, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये एनसीईआरटी में कि ओम लॉ कहाँ कहाँ फेल होता है, तो आप दो पॉइंट लिख दोगे तो भी सफिशियंट है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। एग्जाम्पल सिलिकॉन, एन टाइप पी टाइप कर लिया केमिस्ट्री में, एन टाइप पी टाइप करवा देंगे सेमीकंडक्टर्स, करेंगे, लंबा काम है, नहीं जाओ तो अच्छा है, काफी कॉम्प्लेक्स है। तो कंडक्टेंस जी से रिप्रेजेंट करते हैं इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड कंडक्टिविटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला आपने याद रखने। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?